नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भोजरी में दो टोलियों के विवाद के चलते 17 गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना से परिसर में घबराहट का वातावरण है और इस मामले में अमोल हनुमंत कदम उम्र 33 आदि नाथ नगर भोसरी पुणे पुलिस में मामला दर्ज कराया है। हिरासत में लिए आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। भोसरी के रामनगर हाउसिंग सोसाइटी आदिनाथ नगर परिसर में सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले रंजिश की वजह से युवकों की 2 टोलियों में झगड़ा हो गया और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पुणे से खबरदार संवाददाता सुनील भोंगल जुड़ रहे हैं। सुनील जी, क्या खबर है? इस तरह की घटनाएं वहाँ बार बार होती रहती है, नया ताजा क्या घटना घटी वहाँ पे? जी, रामनगर इलाका है भोसरी का, वहाँ पर 2 टोलियों के रंजिश के वजह से तोड़फोड़ की गई है। लगभग 18 गाड़ियों की तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें 2 नाबालिग युवक भी है। और पुलिस ने जो है मामला दर्ज होने के बाद वहां पर पुलिस घटनास्थल पर गई और उन्होंने जानकारी ली थी और सीसीटीवी फुटेज भी उनके हाथ में लगा है। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ में बार बार ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसके चलते सामान्य नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, तो 2 टोलियों के युवक, 2 टोलियों में झगड़ा हुआ, उनके बीच में विवाद हुआ और उन्होंने दूसरों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, ऐसा ऐसा जी टोलियों के जो बाकी सामने वाले जो लोग थे उनके हाथ में नहीं लगने की वजह से इन्होंने जो गुस्सा है आजू बाजू में लगे हुए गाड़ियों पर उन्होंने गुस्सा निकाला है और जिसके चलते यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ के सामान्य लोगों को होता रहता है। पुलिसिंग पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि बार बार ऐसी घटनाएं होती रहती है। पिछली बार भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था जहाँ तक आपने जानकारी दी थी, लेकिन उससे कुछ असर पड़ता नहीं, क्या कानून का भय बिल्कुल खत्म हो गया वहाँ पे? जी, इस पूरे मामले में हमने जब पुलिस से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके वजह से यहाँ पर जो टोलियों को रंजित होते हैं उनके वजह से यहाँ पर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन पुलिस का खौफ जो है इन बच्चों पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या वजह है, वो उनपे कार्रवाई ठीक से नहीं की जाती, वो क्या इस बार तो 5 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पिछली जो घटनाएं हुई थी यहाँ पर किसी को भी अरेस्ट किया गया नहीं था, लेकिन इस घटना में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि पुलिसिंग में भी सुधार हो रहा है। ये नाबालिग जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, ये क्या करते हैं, किस तरह के, इनका कुछ बैकग्राउंड पता चला है क्या? जी, इनकी जो टोलियां होती है इनको दिन भर कुछ काम नहीं रहता है और खाली एक दूसरे के साथ झगड़े जो होते हैं छोटे छोटे कारणों से इनमें झगड़े होते रहते हैं और वो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते रहते हैं। तो गाड़ी वाले जो वहाँ पे उनमें तो काफी भय व्याप्त रहता होगा कि कौन कभी पता नहीं क्या कब हो जाए। जी, इसी वजह से पुलिस में तकरार जो है वो जाती नहीं है और आज पहली बार ऐसी घटना हुई कि FIR दर्ज हुई है भोसरी पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस को भविष्य में कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है FIR दर्ज? पुलिस ने इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी लगाने की सूचनाएं जगह जगह पर दी गई है और हालांकि इसमें अभी काम चल रहा है। जी, शुक्रिया सुनील जी पूरी जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार।